गाइज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और आज मैंने बहुत पढ़ाई करी है। मतलब रोज़ मैं जितना पढ़ती हूँ उससे ज़्यादा ही पढ़ाई करी है, मतलब कम ब्रेक्स लेके। और वो मैंने क्यों करी है तो वो मैं उसका एक रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। मतलब ऑब्वियसली मेरा एग्ज़ाम है IBPS PO का सेप्टेम्बर में, तो उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ। बट देर इज़ वन मोर रीज़न जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो अभी 4 बज रहे हैं और अभी से लेके रात तक मुझे और काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो आई एम गोइंग टू व्लॉग दैट। पर सबसे पहले तो अभी मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है तो मुझे कुछ खाना है। तो सबसे पहले मैगी बनाएंगे और उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। इज इट जस्ट मी जिसको सिर्फ प्लेन सिंपल मैगी पसंद है, मतलब जो टेस्ट मेकर डाल के जो नॉर्मल मैगी बनती है? बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर मैगी, मतलब वेजीज डालना या फिर कुछ चीज़ वगैरह डालना तो काफ़ी नॉर्मल है, बहुत ही लोग डालते हैं वो तो। पर कई लोग, मतलब वो आजकल रामेन नूडल्स चल रहे हैं ना, जो रामेन बनाते हैं पर वो मैगी नूडल्स डाल देते हैं उसमें सोया सॉस और गार्लिक वगैरह डाल के, मतलब मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं करता उसको देख के। मुझे लगता है कि क्यों मैगी ख़राब कर रहे हो यार, ऐसे ही खा लो, इतनी अच्छी तो लगती है। तो हाँ, मतलब मैंने ऐसे हिल स्टेशन पे या बाहर खाई है वेज मैगी और चीज़ मैगी, तो वो सही लगती है। पर घर पे मैं कितना भी सोचूं कि मैं ट्राई करूँगी, एट दी एंड मैं नॉर्मल सिंपल मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि वही बेस्ट लगती है मुझे तो। सो इज़ इट जस्ट मी या फिर आप लोगों को भी प्लेन मैगी पसंद है? और अगर आपको कोई वेज मैगी या कुछ और पसंद है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी ट्राई करूँ। तो मैगी मैंने खा ली है और अब 4:30 बज रहे हैं, तो पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और ये देखो, मैं अपने फ्लावर्स से और कर्टन से मैच कर रही हूँ, फ्लावर्स भी वाइट और कर्टन भी वाइट। मैंने कर्टन चेंज कर लिया, अपने पहले पिंक थे तो अभी थोड़ी नई नई वाइब आ रही है। सबसे पहले मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लेक्चर देखा, क्योंकि मेरे डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस उतना एफिशिएंटली सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। सो आई फेल्ट कि मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक हैं, तो मैंने वापस से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया और मैं ये फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख रही थी, क्योंकि मैं ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ और मुझे बस रिवाइज़ ही करना था। डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने रिवाइज़ कर लिया है और वो 2 घंटे का लेक्चर था, पर 1 घंटे में मैंने रिवाइज़ कर लिया क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पहले से पढ़े हुए थे। और अब मैं मेंस लेवल की क्वांट की PDF सॉल्व करने वाली हूँ, जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें क्या है, मतलब क्या PDF है। ये नवनीत सर ने मेंस लेवल PDF बनाई है, तो ये जैसे आज 30 अगस्त की है, तो इसमें मेंस लेवल क्वेश्चंस हैं। और मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये देखो, ऐसे करके इसमें 50 क्वेश्चंस हैं हर एक PDF में। और ये अभी अगस्त से लेके दिसंबर तक आपको PDF डेली मिलेंगी, तो अभी मैं ये सॉल्व करने वाली हूँ और इसमें लास्ट में फिर इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो इसकी, मतलब जो जिस वीडियो में सर ने ये सब बताया है कि वो PDF देंगे और कहाँ से आपको वो PDF डाउनलोड करनी है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है वो सब जिस वीडियो में बताया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना। और ये मतलब PDF मेंस लेवल है, तो जैसे ज़्यादातर प्री लेवल की पढ़ाई कराते हैं ऑनलाइन, तो ये मेंस लेवल है, तो इसको ज़रूर सॉल्व करना। एंड या सो आई हैव सॉल्वड हाफ ऑफ दी PDF, मतलब उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे, तो अभी मैंने फर्स्ट 25 करे हैं सॉल्व और मैंने उसके आंसर्स भी चेक कर लिए, तो मेरे 25 में से 20 करेक्ट हैं, 5 गलत हो गए। तो वो मेंस लेवल है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो एक तो मेरा सिली मिस्टेक्स हो गया और बाकी के 4 मतलब मुझे उतना आ भी नहीं रहे थे, तो वो मेरे गलत हो गए, क्योंकि अभी मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सारे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो हाँ, मतलब हाफ मेरी हो गई है, अब 25 हो गए, अब 25 मैं थोड़ी देर बात करूंगी। अभी 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने। आज रक्षाबंधन है, तो अभी मैं जा रही हूँ राखी बांधने के लिए, मतलब जा क्या रही हूँ, इस रूम से दूसरे रूम में जा रही हूँ।
सो वी सेलिब्रेटेड रक्षाबंधन. मैंने भैया को राखी बांधी और हम काफ़ी कैजुअली सेलिब्रेट करते हैं, हम बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते. उसके बाद मैंने पापा को राखी बांधी जो मेरी बुआ जी ने भेजी थी उनके लिए, एंड दिस वॉज आर छोटू सा सेलिब्रेशन. सो आई एम करंटली रीडिंग दिस बुक फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय पीटर हॉलिंस, और इसके 30 पेजेस पढ़ लिए हैं मैंने अभी तक. सो इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक अबाउट ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. तो अभी तो मैंने इसके थोड़े बहुत पेजेस ही पढ़े, तो मैं ज़्यादा आपको रिव्यू दे नहीं सकती, पर अभी तक तो मुझे अच्छी लगी. और मैं बुक रीडिंग अपनी थोड़ी रीडिंग हैबिट बनाए रखने के लिए करती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से. और हाँ, मतलब अगर आपको पढ़नी हो तो आप भी पढ़ सकते हो ये वाली बुक, मुझे तो अच्छी लगी अभी तक. सो सो इट्स 12 AM राइट नाउ, और अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं आपको टाइम दिखाने के लिए, और इसमें मैं शूट कर रही हूँ अभी अपने वाले फ़ोन में. सो हाँ, मतलब अब सुबह मुझे जल्दी उठना है, मतलब 7-8 AM, मतलब हाँ इतने बजे तक मैं उठने की कोशिश करूँगी. तो इसलिए थोड़ा जल्दी भी सोना पड़ेगा यार, क्योंकि 7-8 घंटे की नींद तो इम्पॉर्टेंट है ढंग से फंक्शन करने के लिए. मतलब मैं अगर उससे कम सोऊँ तो फिर मुझसे पढ़ा नहीं जाता उतना अच्छे से, उतना प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ा जाता है. तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए. गुड नाइट गाइज, एंड आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.